वाराणसी में शनिवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 18 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 10 मरीजों को छुट्टी मिली है, वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,766 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,703 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 50 है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने गुरुवार को समस्त अधिकारियों संग आवश्यक बैठक की और शुक्रवार को स्वयं सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग और जुमे की नमाज बिना किसी अप्रिय घटना के सकुशल संपन्न करा ली गई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नरेट ने टीम की हौसला अफजाई की और संभ्रांत लोगों का धन्यवाद भी दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर पुलिस कमिश्नर और वाराणसी पुलिस की जमकर सराहना हो रही है। वाराणसी में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराने पर पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश की सोशल मीडिया पर जमकर लोगों ने सराहना की। परीक्षा माफियाओं, बिल्डर माफियाओं और अंतरजातीय ठगों पर प्रभावी अंकुश लगाने के बाद वाराणसी पुलिस ने अब शहर में सूदखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देश पर शनिवार को चेतगंज थाने में 10 गुना सूद वसूलने के बाद दुकान कब्जा करने के प्रकरण में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने काशी सिंह और मटरू राय पर संबंधित धाराओं में प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि उनका पुराना क्राइम रिकॉर्ड होगा तो इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने बताया कि हतुआ मार्केट के एक दुकान पर जबरदस्ती कब्जा करने और रंगदारी मांगने के आरोप में सूदखोर काशी सिंह और मटरू राय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्ष 2025 तक देश को टीबी रोग उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब टीबी चैंपियन जिले में टीबी रोग के प्रति जागरूकता लाने और भ्रांतियों को दूर करने में विभाग की मदद करेंगे। इसके लिए वो सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री जैसे पोस्टर, पंपलेट, बैज, टैटू आदि का सहारा लेंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन एवं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह की अध्यक्षता में वाराणसी सहित चंदौली और सोनभद्र जिले के 32 टीबी चैंपियन के समीक्षा कार्यक्रम के दौरान IEC मटेरियल का अनावरण भी किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भोजुबीर स्थित एक होटल में वर्ल्ड विजन इंडिया FIND और रीच संस्था द्वारा यूनाइट टू एक्ट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में शनिवार की दोपहर करने के लिए आंध्र प्रदेश में दर्शन के लिए पहुंचे दर्शनार्थी की मौत हो गई। दर्शनार्थी अचानक गिरकर अचेत हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची चौक पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के अल्लापार्ति चंद्रबोस काशी दर्शन और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए परिजनों संग आए थे। दर्शन के बाद अचानक वो मंदिर परिसर में अचेत होकर गिर गए। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत वहां से एम्बुलेंस द्वारा मंडलीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वाराणसी के भिलुपुर थाने पर शनिवार को महिलाओं ने हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि बजरडीहा चौकी क्षेत्र के लखराव लक्ष्मणपुर कॉलोनी में रहने वाली सोनी सिंह उनसे बंधन बैंक और HDFC बैंक में जमा होने वाले पैसों की किस्त ले जाती है, जो उसने वहां जमा नहीं किया और 1.5 करोड़ रुपए लेकर 2 महीने से फरार है। हमने कल रात को उसके पति संतोष सिंह को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है, पर पुलिस बस कार्रवाई होगी कह रही है। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आधा लोग घर नहीं रही हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। उसमें स्वास्थ्य वाले में भी 2 किस्त में स्वास्थ्य वाले में 36,000 रुपये, उसमें 3600 रुपया रोक दी है। पैसा कितना लिए? 1,30,000, 1,80,000, 1,00,000। हाँ, क्या नाम है उसका? सोनी सिंह। पत्नी संतोष सिंह। लखरा बजटिया लक्ष्मणपुरा कॉलोनी। 1.5 करोड़ रुपया लेके सब महिलाओं के लेके भागी है वो। यहाँ 2 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं थाने पर, कुछ हो नहीं रही है। अब बोल रहे हैं कि करेंगे, कुछ हो नहीं रही है। उसका आदमी पकड़ के रखे हम लोग, आए थाने पर रात में, रात आदमी आया है, कुछ बात नहीं हुआ। वकील भेजी है फोन से, वकील आया है, बात कर रहा है छोड़ाने के लिए। कोमल सर के साथ भागी है बंधन बैंक एगो, क्या नाम है सर को, नहीं नहीं जो भरता है राम सेवक, मिल के फार्म भर के हम लोग का पैसा दिवा के और उसको आधा आधा बांट के भागा है सब, वो नहीं बैंक में है। नगर आयुक्त प्रण सिंह ने शनिवार को शहर के मल्दिया चौराहे पर स्थित ऑरलैंड पार्क में वेलकम वाराणसी के आइकॉनिक बोर्ड का उद्घाटन किया। ये LED बोर्ड पर्यटकों और बनारस आने वाले लोगों का स्वागत करेगा। इसके उद्घाटन के पूर्व ही लोगों ने यहां पहुंचकर सेल्फी लेना भी शुरू कर दिया।
इस दौरान नगर आयुक्त ने पौधारोपण भी किया। इसके अलावा शनिवार को ही चौकाघाट चौराहे पर विद्युत विभाग ऑफिस के कॉर्नर पर दिव्यकाशी भव्यकाशी के सांस्कृतिक एवं हेरिटेज बोर्ड का उद्घाटन किया गया। ये बोर्ड वाराणसी के ऐतिहासिक धार्मिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को सामूहिक रूप से काशी की गरिमा के अनुसार संयोजित करते हुए अभिव्यक्त कर रहा है। लोग आते हैं तो एक वाराणसी की पॉजिटिव छवि जाए, इस दिशा में शासन अपने नगर निगम अपने संसाधनों से भी कर रहा है। और आज ये जो चौराहा है, ये तीनों आईलैंड को गोद लेकर जो संस्था है उनने वृक्षारोपण भी कराया और ऐसे एक विजुअल अपीलिंग जो बोर्ड्स हैं जिसमें वाराणसी में लोगों का स्वागत कर रहे हैं इनके द्वारा लगाया गया, इसमें शासन की कोई निधि खर्च नहीं हुई। अरे ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि लोग सहयोग देके, जन सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। लगता कि नहीं कि ये सेल्फी पॉइंट बन सकता कभी? मुझे तो ये पता लगा है, सुबह लगते ही लोग यहाँ के सेल्फी खींचने लग गए थे क्योंकि आसपास काशी विद्यापीठ भी है और स्टेडियम का रास्ता भी है, तो जो एक यंग क्राउड है वो भी एक बार अपने आप को अगर सेल्फी करती है तो वाराणसी से आइडेंटिफाई करती है और साथ ही साथ उसको एक अपना ये करती है कि वाराणसी के अच्छे कार्यों में उसका सहयोग रहता है। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, ऐसी कैंट के नीचे आई लव वाराणसी वाला हमने फाउंटेन लगवाया है, वो अभी तक इनोग्रेट नहीं हुआ, लोग आके वहाँ सेल्फी खींच रहे हैं। तो हम ऐसे पॉइंट्स और बढ़ा रहे ताकि लोगों का शहर के प्रति एक लगाव बढ़े और लोग अपना सहयोग दें। योग तन और मन, कार्य और विचार तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। संपूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयास से वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवाई, जिससे आज पूरे विश्व ने योग को अपनाया है। ये बातें भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने योग दिवस की तैयारियों को लेकर वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई बैठक के दौरान कही। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 8वें योग दिवस पर 21 जून को काशी क्षेत्र के सभी 16 संगठनात्मक जिलों के 337 मंडलों में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। कानपुर के बाद शुक्रवार को प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद सभी वर्ग दहशत में हैं। इसी क्रम में व्यापारियों को भी अपने उद्योग को लेकर चिंता है। इसी क्रम में उद्योग व्यापार समिति वाराणसी के द्वारा एक आपात बैठक हथुआ मार्केट में आयोजित हुई। बैठक में महानगर उद्योग व्यापार समिति से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापार मंडल ने अपने हिंदू व मुस्लिम व्यापारियों से आह्वान किया कि सभी व्यापारी गण किसी के बहकावे में ना आकर शहर में अमन चैन बनाए रखें। महानगर उद्योग व्यापार समिति के संरक्षक श्री नारायण खेमका ने कहा कि जब से ज्ञानवापी प्रकरण चल रहा है तभी से व्यापार पर काफी असर पड़ चुका है। ये शहर और देश हम सभी का है। जो मंदिर का प्रकरण चल रहा है वो कोर्ट का मामला है, उससे हम सभी को कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो हम सभी के लिए सर्वमान्य होगा। दलों द्वारा और इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो कारण है वो बनारस के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हैं। तो आज हम सभी व्यापारियों ने मिलकर ये बैठक बुलाई है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस देश के आम नागरिक पूरी तरह से शांति प्रिय हैं और एक साथ आपस में हिल मिलकर रहना चाहते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति न कोई द्वेष है, न किसी के प्रति कोई गलत आलोचना करने की इच्छा है। वैश्व विरक्त संत समाज की ओर से सुदामा कुटी में काशी धर्म परिषद की बैठक इस्लामी जिहादियों के आतंक से भारत को बचाने के उद्देश्य से बुलाई गई। काशी धर्म परिषद ने पातालपुरी मठ के महंत बालक दास महाराज की अध्यक्षता में शुक्रवार को देश भर में जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों द्वारा की गई हिंसा के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया। सुदामा कुटी में जुटे संतों, महंतों एवं आचार्यों ने शुक्रवार की घटना को भयावह और भारतीयों को डराने वाला बताया। जिस तरह से इस्लामी जिहादी नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर देश को जला रहे, उसे संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। काशी धर्म परिषद की बैठक में नुपुर शर्मा का गला काटने और रेप की धमकी की कठोर निंदा की गई है और इस्लामी जिहादियों पर तत्काल अंकुश लगाने की सरकार से अपील की गई। और बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये बना दिया गया कि धारा 144 लागू है शुक्रवार के दिन। फिर कौन से लोगों ने उनको स्वीकारोक्ति दी? कितने सारे लोग सड़क पर निकल गए? क्या पढ़ाया जाता है नमाज में? अब ये दुनिया जानना चाहती है कि आखिर नमाज के बाद तकरीर में वहां के मौलाना कौन सी बात कहते हैं जिसकी वजह से हिंसा भड़कती है। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जिस दिन ये मौलाना गिरफ्तार होने लगेंगे उस दिन ये सारी हिंसा बंद हो जाएगी। इनकी गिरफ्तारी हिंसा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।